फ्रेंड्स, अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मीठी मटरी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मीठी मटरी बनाना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मीठी मटरी बनाने के लिए हमने एक बाउल मैदा लिया है। मैदा को हम एक थाली में ले लेंगे। इसमें डालेंगे हम सौंफ, एक छोटी कटोरी सूजी, थोड़ी सी बेकिंग पाउडर, एक से दो बड़ा चम्मच गरम तेल। हम मीठी मठी में चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो रिफाइंड ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है गरम करके, हमने दो बड़े चम्मच लिया है। एक छोटी चम्मच पीसी इलायची। ये सब चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैदे को अच्छी तरह से डो बना लिया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और हल्का सा थोड़ी सी और गूंथ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और तेल हम लगा के 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो गया है। इसे थोड़ी सी और हम जो तेल हमने ऊपर से लगाया था इसे अच्छी तरह से डो में मिक्स कर देते हैं। अब इसे छोटे छोटे से हम लोई बनाएंगे, इतने साइज का। हमने लोई बना के रख लिया है। अब मटरी का शेप देंगे। इसे पूरियों की तरह हमें बेलना है। इस तरह से बीच बीच से हमें चाकू से कट लगाना है। इसमें थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे। इसे रोल कर लेंगे हम। फिर इस तरह से मटरी का शेप हम देकर ये देखिए इस तरह से हम मटरी का शेप देना है। इसे सारे लोई को हम मटरी का शेप दे देते हैं। जितने हमने लोई बनाया था उसका हमने मटरी का शेप दे दिया है। अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, एक एक करके मटरी हम डाल देते हैं। मटरी को हमें धीमे आंच पे ही सेकना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। मटरी को हम पलट लेते हैं। अभी से हम अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। मटरी कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, इसमें बिल्कुल ब्राउन कलर के हो गया है। मटरी को मैं निकाल लेती हूँ, जो बाकी मटरी है उसे भी मैं फ्राई कर लेती हूँ।
सारे मटर को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके लिए हम चाशनी बना रहे हैं। चाशनी बनाकर हमने एक छोटी कटोरी पानी डाला है, इसमें हम एक गिलास लगभग शक्कर डालेंगे। जो हमने इलायची डाला था उसके हमें जो छिलके इसमें चाशनी में हम ऐड कर लेते हैं। अब इसे एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। चाशनी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, हमें एक तार की चाशनी बनाना है। चाशनी बन गया है, गैस को ऑफ कर लेती हूँ। अब इसे मैं एक एक करके मटर में ऐड करूंगी। इस तरह से मटरी में चाशनी अच्छी तरह से सूख गया है, ये देखिए। मीठी मटरी बनके तैयार हो गया है, ये देखिए।